मुंबई स्थित प्रिमरोज अपार्टमेंट की तस्वीरें हैं और ये ग्रे कलर की गाड़ी यानी आज बहुत जल्दी समन कर लिया गया है। ग्रे कलर की यही इनोवा कार है जिसमें इससे पहले दो बार रिया चक्रवर्ती निकली हैं। क्या रिया चक्रवर्ती के निकलने की हलचल है, क्या रिया चक्रवर्ती के निकलने की हलचल है, क्या इस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती है? रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस ले जाएगी मुंबई पुलिस और अंदर आप झांक करके देखें अगर तो हाँ रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती इस गाड़ी में नजर आ रही है यानी रिया चक्रवर्ती अपने घर से सीबीआई पूछताछ के लिए तीसरे दिन लगातार निकल चुकी हैं और डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए रिया की गाड़ी निकल चुकी है। रिया की गाड़ी के साथ मुंबई पुलिस की भी गाड़ी है। अभी की तस्वीरें प्रिमरोज अपार्टमेंट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पहले मुंबई पुलिस आई और उसके बाद फिर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकली। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के साथ मुंबई पुलिस की भी गाड़ी है। ये देखें मुंबई पुलिस की गाड़ी भी आपको नजर आ रही है यानी प्रिमरोज अपार्टमेंट से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। सृष्टि रिया निकल चुकी है। सृष्टि चलिए बीच में गाड़ी कहीं पर रुकी है, शायद ट्रैफिक की वजह से गाड़ी रुकी है और वहीं पर इंडिया न्यूज के कैमरे ने फिर से रिया चक्रवर्ती का पीछा किया है। आप देखें अभी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, इसके अलावा मुंबई पुलिस की भी गाड़ी है। बहुत तेजी के साथ में हलचल शुरू हो गई है। दिन रविवार का है लेकिन हाँ एक ट्रैफिक लाइट पर अभी गाड़ी रुकी हुई है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे निकली, इंडिया न्यूज के कैमरे ने घेरने की कोशिश की। हर पल की खबर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दे रहा है। इंडिया न्यूज के कैमरे लगातार रिया चक्रवर्ती को फॉलो कर रहे हैं। अभी की बड़ी खबर, दो दिन में 17 घंटे की पूछताछ। आज सुबह में ही लगभग 10:15 बजे रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल गई है और रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकल चुकी हैं। मेरे ख्याल से हमें पैनल को भी ओपन कर देना चाहिए और इन तस्वीरों को लगातार टीवी स्क्रीन पर। सृष्टि सृष्टि जुड़ गई हैं। सृष्टि सृष्टि कितनी दूर पहुंची रिया? सृष्टि रिया के साथ कौन है? जब गाड़ी निकली थी तो जहां तक मैंने देखा है रिया ही अकेले निकली है और क्योंकि आज तीसरा दिन है इंटरोगेशन का, तो ऐसा कह सकते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ जो है उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मैटर में या ड्रग्स रिलेटेड मैटर में भी जो है ये क्वेश्चनिंग हो सकती है। और इतना ही नहीं सीबीआई जो है वो प्लान कर रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो भी करे और इसकी जो अनुमति है वो भी ली जाएगी रिया से और बाकी लोगों से। बट अगर वो ये जो टेस्ट है ये करने से मना कर देते हैं तो ये टेस्ट करने से मना कर दिया उन्होंने तो वो उनके खिलाफ जा सकता है। आज मैं ये जानना चाहूंगा सृष्टि आपके जरिए भी और जितना भी कैमरा फॉलो कर रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन पर यही तस्वीरें बना करके रखें, स्क्रीन पर ये तस्वीरें बना करके रखें क्योंकि इसी कार के अंदर रिया चक्रवर्ती है। लगातार तीसरे दिन डीआरडीओ दफ्तर यानी सीबीआई जहां पर जिस गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती और बाकी अक्यूज को ग्रिल कर रही है वहां के लिए रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। मुंबई पुलिस की सुरक्षा के साथ निकली रिया चक्रवर्ती। अभी की बड़ी खबर, मुंबई पुलिस की सुरक्षा के साथ रिया चक्रवर्ती लगातार तीसरे दिन सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए निकल चुकी है। आज ड्रग्स ओवरडोज को लेकर के पूछताछ की जाएगी, आज सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत कैसी थी इसे लेकर के भी पूछताछ की जाएगी। ड्रग पेडलर के साथ में क्या रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन है, गौरव आर्या के साथ क्या कनेक्शन है, दुबई कनेक्शन क्या है, ये सब कुछ आज रिया चक्रवर्ती से पूछा जाएगा। क्या मेरे साथ में सतीश त्रिपाठी म्यूजिक डायरेक्टर जुड़े हुए हैं? सतीश त्रिपाठी मेरे साथ नहीं है, सचिन भल्ला के पास मैं जाना चाहूंगा। सचिन भल्ला जी, आज तीसरा दिन है, दो दिन में 17 घंटे की पूछताछ, आपको क्या लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती जितने भी झूठ बोलती चली जा रही है, जितने भी झूठ का पुलिंदा गढ़ रही है, उतना ही ज्यादा दलदल में और चक्रव्यूह में फंसती नजर नहीं आ रही रिया? देखिए रिया का जो है वो मैं आपको एक मिनट बाद उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मीडिया जो इतना इसके अंदर डीपली चल रही है तो हमारे न्याय प्रणाली में कहीं ना कोई कमी है। जो इतने उभरते हुए कलाकार को जो हमारा किसी कारण उसने सुसाइड किया, आपको वो देखना चाहिए कि जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको किस चीज की दिक्कत है, कहां पे वो परेशानी है जो आज एक उभरते हुए इतना अच्छा कलाकार हमारे हमारे हाथों से निकल गया। तो मुझे ये लग रहा है कि हम उसका सुशांत की डेथ को लेके हम उसके वीक पॉइंट निकाल रहे हैं, हम अपनी गलतियां नहीं देख रहे कि एक उभरता हुआ कलाकार हमारे हाथ से निकल गया और उसने उसको ये आपने भी देखा है कि कितने भी डायरेक्टर हैं क्या है कहीं ना कहीं उसको डरा रहे थे, कभी धमका रहे थे या उसको कहीं बड़े पैनल पे फिल्म नहीं दे रहे थे, तो ये चीजों पे आपको गौर करना चाहिए। मुझे समझ नहीं पा रहा
सचिन भल्ला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार आप आईना किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही मीडिया है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ जितना षड्यंत्र रचा गया, हमने किया खुलासा, इंडिया न्यूज ने किया खुलासा, मुंबई पुलिस ने जितने लूपहोल छोड़े हमने किया खुलासा, महाराष्ट्र सरकार ने जितने लूपहोल छोड़े हमने किया खुलासा, और आज की तारीख में आप हम पर ही सवाल उठा रहे हैं। सर, आप हम पर ही सवाल उठा रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा था ना। और रुकिए, कैमरे की जद में है रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती कैमरे की जद में है, रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है, रिया चक्रवर्ती को मीडिया के कैमरे ने घेरा है, रिया चक्रवर्ती को अभी इंडिया न्यूज के कैमरे ने घेरा है, अभी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती इंडिया न्यूज के कैमरे की जद में, रिया चक्रवर्ती से इंडिया न्यूज की तरफ से यह पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये बताओ कत्ल किसने किया, तुम ये बताओ कि पिछले इतने दिनों से झूठ क्यों बोला, रिया चक्रवर्ती से कई सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने अपनी जबान को रखा है खामोश। रिया की कार के साथ में है इंडिया न्यूज, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुशांत केस में। रिया से सीबीआई पूछताछ का राउंड थ्री, और राउंड थ्री से पहले किस तरह से इंडिया न्यूज के कैमरे ने रिया चक्रवर्ती को घेरा हुआ है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती सवालों का सामना करने से बच रही है, रिया चक्रवर्ती ने सवालों का सामना करने में भी पिक एंड चूज किया है। आवाज सुनाइए, आवाज रिया रिया की कार के साथ में इंडिया न्यूज लगातार फॉलो कर रहा है रिया चक्रवर्ती की कार को इंडिया न्यूज। रिया से सीबीआई आज फिर पूछेगी तीखे सवाल, दो दिन 17 घंटे की पूछताछ, और आज सवालों का है राउंड थ्री। उससे पहले इंडिया न्यूज पर सुशांत केस की पल पल की अपडेट की वहां कवरेज आप देख पा रहे हैं। शिवम त्यागी सचिन भल्ला का यह कहना है कि अगर इंडिया न्यूज सवाल कर रहा है रिया चक्रवर्ती पर तो वो गलत है। सचिन भल्ला का यह कहना है कि अगर हम केस को फॉलो कर रहे हैं तो वो गलत है। सचिन भल्ला का यह कहना है कि अगर हम मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं तो गलत है। सचिन भल्ला का यह कहना है कि महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो गलत है। सचिन भल्ला का यह कहना है कि अगर हम सीबीआई की तफ्तीश को फॉलो कर रहे हैं तो हम गलत हैं। क्या गलत है, क्या सही है शिवम त्यागी? राष्ट्रपति, एक चीज सचिन भल्ला को समझने की जरूरत है कि इस आजाद देश में हम रहते हैं जहां पर हर किसी के साथ और हर किसी के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार हर किसी को है। भल्ला साहब, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला बीच में, थोड़ा समय दे दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि एक एक्टर जिसकी यहां पर डेथ हुई है अगर उसको इंसाफ मिल सकता है और इंसाफ में अगर इंडिया न्यूज की टीम मदद कर रही है, जो नए उनको किस चीज की दिक्कत है, जो सुसाइड कमिट कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो हमारे किसी भी तरह से किया है उसको अगर साजिश का पर्दाफाश करने में अगर इंडिया न्यूज आपको आगे लेकर जा रहा है, इस देश की जनता को बता रहा है, तो दिक्कत क्या है? अरे भाई, कुछ लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को हत्या तक पहुंचा दिया और मेरी बात सुनिए सर, मैं ये अपने देश की न्याय प्रणाली पे देख रहा हूं कि इतने बड़े इतना होनहार कलाकार हमारे यहां से निकल गया तो हमारी कहीं ना कहीं दिक्कत है। सुशांत जैसे कलाकार आगे से मना नहीं चाहिए, आगे से उनको किस चीज की दिक्कत थी आप उसको फॉलो करें, आप उसमें बताएं। अब डेथ हो गई है, ढाई महीने में आपने मीडिया ने और न्याय प्रणाली में कहीं ना कहीं मुझे इसमें मैनिपुलेशन लगती है, और कहीं ना कहीं इतने अच्छे कलाकार जो हमारे हाथ से निकले हमें उनको बचाने की वो करनी चाहिए, हमें बहस नहीं करनी चाहिए। ओके ठीक है, हो गया आप लोगों का, हो गया पूरी तरीके से। राशिद भाई मुझे 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दिलवा दीजिए, मुझे बस अपनी कुछ बातें रखनी। शिवम त्यागी 30 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलेंगे, सचिन भल्ला जी आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। शिवम त्यागी बोले, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सचिन भल्ला जी जैसे जितने भी इस देश में लोग हैं, जो इस देश में जो ये कहते हैं कि यहां पर अगर इंडिया न्यूज या कोई भी या फिर इंडियन मीडिया इस बात को फॉलो कर रहा है, चैनल्स फॉलो कर रहे हैं, तो ये गलत है, हमें अपने आप में देखना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूं पर्टिकुलर किसी भी मीडिया का नाम नहीं लिया, पहले आप अपने शब्द वापस लें, मैंने किसी मीडिया का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा है कि ऐसे होना हमारे हाथ से बच्चे निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे में अपने में कमी है जो हमें ठीक करनी चाहिए। आप सुशांत की आप उसकी ड्रेस में चले जाते हो, कभी उसके आप सभी खामोश हो जाएं। मुझे प्लीज किसी भी तरीके से सतीश त्रिपाठी जी को लाइव करके दें, आप हेडलाइंस के तुरंत बाद मुझे सतीश त्रिपाठी जी लाइव चाहिए। कोशिश ये करें जितना जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। सचिन भल्ला जी आप रुकें, शिवम त्यागी हैं, एलएन राव जी हैं, अशोक सरोगी हैं, सुशील टेकरीवाल हैं, सतीश त्रिपाठी हैं, सृष्टि हैं, और इसके अलावा डीआरडीओ ऑफिस से श्वेता भी मुझे रिपोर्ट कर रही हैं।
लेकिन जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में 78 दिन के बाद इंडिया न्यूज करने जा रहा है एक और खुलासा। इतनी बड़ी गवाही हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको यह पता चलेगा सुशांत सिंह राजपूत के गर्दन पर यहां पर सुई के निशान आखिरकार क्यों थे, सुशांत सिंह राजपूत का पांव क्यों टूटा हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत का पूरा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ था। रिया चक्रवर्ती कहती है कि मैंने तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को मॉर्चरी में 3 सेकंड देखा, लेकिन एक बहुत बड़ा गवाह है जो ये बताएगी। रिया चक्रवर्ती 15 से 20 मिनट तक वहां पर मौजूद थी। चक्रवर्ती लगातार तीसरे दिन सीबीआई के सवालों का सामना करेगी। अब से ठीक 15 मिनट पहले अपने प्रिमरोज अपार्टमेंट से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। पहले दिन सफेद कपड़े, दूसरे दिन काला कपड़ा, आज तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती का चेहरा क्या बोल रहा है, किस रंग के कपड़े पहन करके गई है, रिया चक्रवर्ती के एक्सप्रेशंस क्या हैं, रिया चक्रवर्ती की आंखें क्या बोल रही हैं, रिया चक्रवर्ती कितनी नर्वस है, रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर क्या कोई और शातिराना चाल है, इन सभी पर इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। मेरे बाईं तरफ आप देखें प्रिमरोज अपार्टमेंट की हलचल बहुत तेज हो गई है, सांताक्रूज के आसपास के इलाके की हलचल बहुत तेज है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर भी आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई है रिया चक्रवर्ती, चूंकि आज है रविवार का दिन। आप देखें तस्वीरों में आप देख सकते हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस की, यानी आज की खबर, आज की तस्वीर 28, 29 और 30 तारीख, पहले 28 और 29 तारीख, और तस्वीरें एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। सुशांत केस की सबसे बड़ी गवाही हम ठीक 3 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे, आप रहे हमारे साथ। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किसने कहा सुशांत के पैर की हड्डी टूटी थी, किसने कहा सुशांत की बॉडी पीली पड़ी थी, ठीक 3 मिनट के बाद। क्योंकि अभी की बड़ी खबर यह है, अभी की बड़ी तस्वीर यह है कि रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। रिया चक्रवर्ती अब से थोड़ी ही देर के बाद, यानी मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के बाद इस गाड़ी से उतरने वाली है। रिया चक्रवर्ती पहले दिन सफेद कपड़े पहने, दूसरे दिन काला कपड़ा पहना, लेकिन तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती किस तरीके की नजर आ रही है अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती ने आज भी काला कपड़ा पहना हुआ है, अभी की बड़ी खबर। और हाँ, रिया चक्रवर्ती ने कल डेनिम जींस पहनी थी, आज रिया चक्रवर्ती ने लोअर पहना है और काले रंग की एक टी शर्ट है, बल्कि स्वेटशर्ट कहना चाहिए, वो जो कैप वाली स्वेटशर्ट होती है, हुडेड जैकेट पहनी हुई है रिया चक्रवर्ती ने काले रंग की, और काले रंग का ही लोअर पहना हुआ है। कल भी काले रंग का कपड़ा था, परसों सफेद रंग का कपड़ा था। रिया चक्रवर्ती उतर करके सीधे अंदर चली गई। पहले दिन जब उतरी हाथ में डॉक्यूमेंट थे, दूसरे दिन उतरी तो भी हाथ में डॉक्यूमेंट, और आज भी ऐसा कहा जा रहा है। रिया चक्रवर्ती को कहा गया है कि अपने घर से डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, और रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक लगातार तीसरे दिन ये हमने किया है खुलासा। सबसे पहली खबर सिर्फ इंडिया न्यूज पर, सबसे पहली ब्रेकिंग सिर्फ इंडिया न्यूज पर, सबसे पहली तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। मेरे ख्याल से इन तस्वीरों के साथ हमें अशोक सरूगी जी के पास में चलना है। अशोक सरूगी जी, इन तस्वीरों के साथ आपके पास में और भी सुशांत सिंह राजपूत केस के बड़े खुलासे हैं, एक बार एक्सपोज करें आप। सुशांत सिंह के साथ में कुछ लोग ऐसे थे जो काफी कह सकता हूं मैं बहुत ही गलत लाइन के लोग थे, और उनमें से एक उनका अशोक कुक था। इसका बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं कि ही इज नॉट अ इंडियन नेशनल। उसका अगर पासपोर्ट आप चेक करेंगे तो ही इज होल्डिंग अ चाइनीज पासपोर्ट। पता नहीं पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं इसको इन्वेस्टिगेट किया, या सीबीआई ने क्यों इस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। सर एक मिनट, अशोक सरूगी जी, अपनी बात को आप रिपीट करें। आपका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर एक कुक था जिसका नाम है अशोक, अशोक जो है ये चाइनीज था, जिसके बारे में अभी तक किसी के पास भी जानकारी नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं इस कुक को किसने रखवाया था, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने या फिर रिया चक्रवर्ती ने? मेरे ख्याल से तो रिया के ही कहने से वो आया था, परंतु डेफिनेटली ही इज होल्डिंग अ चाइनीज पासपोर्ट, और उसने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया कि ही इज अ चाइनीज नेशनल होल्डिंग अ चाइनीज पासपोर्ट। मेरे ख्याल से अभी हमें इस खबर को ब्रेक करना चाहिए, तुरंत ही इस खबर को तैयार करें। देश के जाने माने लॉयर अशोक सरूगी ने इंडिया न्यूज पर किया है खुलासा। खुलासा यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर अशोक नाम का एक कुक था जिसके पास में चाइनीज पासपोर्ट था, वो हिंदुस्तानी नहीं था, वो चाइनीज था, और उसे बकौल अशोक सरूगी जी रिया चक्रवर्ती ने रखवाया था। ये चाइनीज कुक का कनेक्शन क्या है, इसे तुरंत ही ब्रेक करना चाहिए हमें। अशोक सरूगी जी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं क्या? अगर हैं तो एक बार स्क्रीन पर दिखाएं आप। डॉक्यूमेंट्स अभी यहाँ तो मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, परंतु मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, ये चाइनीज कुक सुशांत के घर पर कब से था, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास कुछ ऐसे चैट्स भी हैं जो बताते हैं कि सारे प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिया के पास थे,
और एक चैट हुई है उनकी बहनों के साथ में, उनकी बहनों ने कहा कि हम इसे लेके जा रहे हैं और आप उनके सारे प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। 27 नवंबर को सुशांत जो है अपनी बहनों के साथ अपने घर जाने वाला था और उसकी सारी तैयारी 26 नवंबर को हो रही थी और 26 नवंबर के चैट से, अगर 26 नवंबर को जो है रात को उनका पता नहीं भाई बहनों से कुछ झगड़ा हुआ और रात को उनकी बहनें जो है वो तो निकल के किसी बॉम्बे के होटल में जाके रहने लग गई और 27 की सारी टिकटें कैंसिल की गई। और वो चैट सिंपल बताते हैं कि सारे प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी बहन के पास रिया के पास थे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एडिटोरियल टीम को एक प्लेट ब्रेकिंग न्यूज की एक प्लेट और बढ़ानी चाहिए। जिस अशोक कुक की हम बात कर रहे हैं इसके पास में चाइनीज पासपोर्ट था, चीन का पासपोर्ट था और ये खुलासा किया है अशोक सरुगी ने जो देश के जाने माने लॉयर हैं और उनका कहना यह है कि उनके पास पूरे सबूत हैं, पूरे प्रूफ हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर अशोक नाम का भी एक कुक था और ये चाइनीज कनेक्शन भी निकल करके आया है। ये चाइनीज कनेक्शन कितना खतरनाक नजर आ रहा है सतीश त्रिपाठी जी? सतीश जी अभी जो मैंने देखा सर ने जो खुलासा किया है इट्स अ बिग, बहुत बड़ा न्यूज है ये राशिद भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा प्लांट मर्डर है। मैं तो देखिए डे फर्स्ट से आपको कह रहा हूं ये पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के लाइफ में प्लांट की गई है और ये प्लानिंग बहुत ही सोची समझी प्लानिंग है। एक छोटे से शहर से आए बड़े टैलेंट को जब बहुत बड़ा टैलेंट हो जाता है तो उसको उससे लोगों को इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा होने लगती है कि पूरा एक कॉकस, पूरा एक जो बॉलीवुड का एक माफिया गैंग है वो सब मिल करके प्लानिंग करते हैं और इसकी जिंदगी में एक मासूम की जिंदगी में रिया को प्लांट करते हैं। एक और बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर, एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है अशोक सरुगी जी के खुलासे के साथ। एक और बड़ी खबर